दोस्तों, आप लोग हमेशा व्यूज को लेकर परेशान रहते हो, लेकिन क्या कभी आपने अपने चैनल को, अपने YT स्टूडियो को, अपने यूट्यूब ऐप को, अपने कंटेंट को ध्यान से देखा है कि मैंने जो चैनल बनाया है उसमें आखिर ऐसी कोई सेटिंग तो नहीं है जिस वजह से हमारा कंटेंट यूट्यूब रिकमेंड ना कर रहा हो, या फिर जिस वजह से जो हमारा कंटेंट जिन लोगों तक पहुंच रहा है वो लोग क्लिक ना कर रहे हों? आखिर ऐसा क्या है, क्यों लोग हमारी वीडियो पर क्लिक नहीं करते, क्यों हमारे व्यूज नहीं आते हैं? ये चीज के बारे में कभी नहीं सोचते हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये चीज अगर आप लोग सोच लोगे तो आपका भाई इज्जत चला जाएगा ना भाई। समस्या है, लोग ये बस इतना जानते हैं वीडियो बनाओ अपलोड करो, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वीडियो बना के अपलोड करने से आपका चैनल ग्रो नहीं करता है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। दोस्तों, एक सेटिंग ऐसी होती है आपके यूट्यूब के अंदर जो आपने अभी तक ऑन ही नहीं किया, जिससे क्या होता है कि आपकी ऑडियंस के पास ही आपकी वीडियो जाती है, यानी कि जो ऑडियंस आपके जैसे वीडियो देखना चाहता है, जैसे मैं टेक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और मेरी वीडियो अब कोई ब्लॉगिंग कैटेगरी वाला तो देखेगा नहीं, ठीक है, मान लो, या फिर जैसे कोई कुछ भी मान लो जैसे कॉमेडी बनाता है तो वो मेरी वीडियो नहीं देखेगा ना, और कॉमेडी वाले के पास मेरी वीडियो पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है उसको हटा देगा। लेकिन अगर जैसे मेरे जैसे देखने वाले लोग हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई उनकी इंटरेस्ट की वीडियो होगी। तो उसी को लेकर एक सेटिंग होती है जो कि यहां पर आपको दिख रही है, रिकमेंडेशन फॉर योर व्यूवर्स। सच बताना, क्या आपने कभी भी इस सेटिंग को आज दिन तक नोटिस किया? सच बताना कमेंट करने, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलने से कोई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सच बोलने से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगी और मुझे भी मिलेगी, ठीक है, और जो बाकी लोग देख रहे हैं उनको भी पता चलेगा कमेंट करके कि हाँ, जो मैंने सेटिंग बताई है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो ये जो सेटिंग है, रिकमेंडेशन फॉर योर व्यूवर्स, फॉर यू, यूट्यूब रिकमेंड योर कॉन्टेंट बेस्ड ऑन योर व्यूवर्स इंटरेस्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि यूट्यूब आपके कंटेंट को उस जगह रिकमेंड करेगा जहाँ पर आपके व्यूवर्स को इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये सेटिंग ऑन है, ठीक है। लेकिन आपने अभी तक ये सेटिंग, आपको पता भी नहीं होगी कि ये सेटिंग होती किस जगह है, अगर पता हो तो बताओ, ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं कि ये सेटिंग कहां है और आपको कैसे ऑन करनी है, तब जाकर आपके व्यूअरशिप आनी स्टार्ट होगी धीरे धीरे। क्योंकि दोस्तों, जब आपके जैसे लोगों के पास कंटेंट जाएगा, जब आप जो मान लो आप जैसे ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, तो जब ब्लॉग वाले लोगों के पास आपका ब्लॉग वीडियो जाएगा तभी आपकी वीडियो को लोग देखेंगे, जब तक ब्लॉग वालों के पास आपका ब्लॉग नहीं जाएगा तब तक वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, ना ही आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये सेटिंग आपको मिलेगी कैसे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और ऑन ऑफ कैसे करनी है वो तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना YT स्टूडियो ऑन करते हैं, यहाँ पर हमने YT स्टूडियो को देखो ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम अपने अर्न वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अर्न वाले सेक्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है लोगो, ठीक है, चैनल का आपका लोगो मिलेगा, और ध्यान रखिए ये YT स्टूडियो के थ्रू आपको करना है, YouTube एप्लीकेशन से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन मिल रहा होगा, इस पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको ये सेटिंग मिल जाएगी, रिकमेंडेशन फॉर योर व्यूअर्स, यानी कि अगर आप इस सेटिंग को, आपकी सेटिंग ऑफ होगी, अगर ऑफ है तो इसको फटाफट ऑन कर लेना, अगर ऑन नहीं है तो आपका वीडियो कभी भी सही जगह रिकमेंड नहीं किया जाएगा, और जब तक सही जगह रिकमेंड नहीं होगा तब तक आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपने ये सेटिंग अभी तक ऑन नहीं करी थी तो फटाफट से कर लो, क्योंकि इस सेटिंग को ऑन करने से पहले आपकी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा, करेगा भी मान लो मेरे पास कर भी दिया और आप बनाते हो कॉमेडी वीडियो, मुझे कॉमेडी में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं आपकी वीडियो नहीं देखूंगा, तो उसको रिकमेंड करने का उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखिए इस सेटिंग को फटाफट ऑन कीजिए, और इस सेटिंग को ऑन करके अच्छी खासी व्यूअरशिप आपको धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ आई तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए, वंदे मातरम, जय हिंद।